मानव समाचार मानवता के हक में। सबसे पहले मैं शान हिंद और मुस्तकीम डिग्निटी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है क्रिकेट के तई अपना जो है यहाँ पे लगाव पेश किया और क्रिकेटर लोग का हौसला अफजाई के लिए जो है ये सीजन सेकंड जो है बुलंद इकबाल के नाम से टूर्नामेंट यहाँ पे शुरू किया गया है। पहली मरतबा जो शुरू किए थे वो ओपन टूर्नामेंट का, लेकिन ये हुआ कि यार अभी अपने गांव का जो है बच्चे जो है बहुत ज़्यादा टैलेंट है और 42 टीमें सीजन बोल तो आईपीएल तर्ज पे एक आइकॉन रख के ये समझ लो दूसरी मरतबा जो है ये टूर्नामेंट हम लोग इस तर्ज पे करा रहे हैं। ऑल टीम के प्लेयर जो है वो जैसे आईपीएल में खरीदी बिक्री होती है उस तरीके पे खरीदी बिक्री हुई इनकी, इस तरीके से 10 टीम जो है यहाँ पे हिस्सा ली और 10 टीम के ऑनर जो है अलग अलग जो है लोग हैं शहर के, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि वो इतना खर्च करके जो है और क्रिकेट के तई जो है अपना जो है यहाँ पे टाइम भी दे रहे हैं। जैसे हमारे हाजी खानवल वाले और ऐसे और सब लोग जो है ये कभी क्रिकेट में यानी इतना वो नहीं फोकस नहीं करते थे, लेकिन अल्लाह करम है ये जो है मालेगांव के क्रिकेट को एक ऊंचाई पे ले आने के लिए इनका जो है बहुत बड़ा अमल रहेगा और इंशाल्लाह जो है ये टूर्नामेंट जो है हम लोग लाइव भी बताने की कोशिश कर रहे हैं और मालेगांव की तारीख में इतना बड़ा कप जो है वो पहली मरतबा जो है दिया जा रहा है। किसी भी टूर्नामेंट में चाहे वो टेनिस बॉल का हो चाहे सीजन बॉल का हो चाहे इस कल्लू स्टेडियम हो या हम लोग जो कल्लू कुट्टी पे खेलते थे या एमएजी कॉलेज में, इस तरह का जो मुस्तकीम भाई और शान साहब ने जो ये हमारे को कप जो दिया है ये मालेगांव की तारीख का जो है सबसे बड़ा कप जो है वो है। और बच्चों को जो है जो फर्स्ट प्राइज रहेगा 61,000 और 41,000 भी है इन्होंने ही जो है ये हमको हेल्प की। और दूसरी चीज सबसे बड़ी ये कि हमारे अजीज कल्लू स्टेडियम के लिए 2 करोड़ का फंड जो है कमिश्नर साहब ने बोला था वो नगर उत्थान के जरिए से जो है हमारे यहाँ अजीज कल्लू में वो किसी भी चीज के लिए हो, लेकिन 2 करोड़ का टेंडर जो है वो कॉल हो चुका है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जो हम बच्चे लोग जो वहाँ धरना दिए थे और पीछे कमिश्नर को भी बोले थे, दादा भूसे को भी बोले थे, यहाँ के आमदार जो है वो बोल बोल के यहाँ पे 8-8 करोड़ का, लेकिन उन्होंने कुछ लाया नहीं। चलो कोई हमको इतराज नहीं है, कोई भी लाए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हमारे ग्राउंड के लिए जो है 2 करोड़ रुपये का बजट जो है उसका टेंडर भी हो चुका है और इंशाल्लाह जो भी ठेकेदार वो टेंडर लेगा वो जो है हम लोग भी उसमें जो है ध्यान रखेंगे कि अच्छा जो है ठेकेदार वो ले और हमारे यहाँ अजीज कल्लू स्टेडियम में जो है चाहे वो जॉगिंग ट्रैक बने चाहे वो दंगल का वो बने या बास्केटबॉल ग्राउंड बने या क्रिकेट का बने, हम जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि ये जो फंड आया है ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 30% यहाँ से कॉरपोरेशन देंगे और 70% सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है, तो हम खास तौर से कमिश्नर का और जो भी इसमें मदद किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मालेगांव क्रिकेट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम बुलंद इकबाल MPL का आज से आगाज हो रहा है। मैं मालेगांव क्रिकेट एसोसिएशन के तमाम ही जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूं। आमीन अंसारी, अजहर अंसारी, अताउर रहमान, अब्दुल सलाम, मुजम्मिल पम्मिले, यासिन भाई और भी जो उनके साथ लोग हैं। ये क्रिकेट अजीज कल्लू स्टेडियम पर हर साल ये लोग कोशिश करते हैं, रखते हैं, यहाँ खेलते रहते हैं, इसीलिए इस ग्राउंड की हिफाजत है। हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि फाइनल के वक्त हम अबू आसिम आजमी साहब या बम्बई से कोई बड़े लीडर को बुलाकर फाइनल के दिन वो यहाँ मौजूद रहें, ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, मालेगांव शहरियान और ख़ास तौर से स्पोर्ट्स प्रेमियों को मैं एक खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि आसिम भाई खुद से मुझे फ़ोन करके ये बोले कि स्पोर्ट्स के लिए तुमको क्या ज़रूरत है मुझे लिख कर दो। मेरी बातचीत स्पोर्ट्स मिनिस्टर से हुई है, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे मालेगांव शहर के लिए फ़ंड मंजूर करके दूंगा। और हमने उनको स्पोर्ट्स के कई अलग अलग चीज़ें क्रिकेट के ताल्लुक से कुछ बातें लिख कर दी है क्या ज़रूरत है, बास्केटबॉल के ताल्लुक से क्या ज़रूरत है वो लिख के दी है, वॉलीबॉल के ताल्लुक से क्या ज़रूरत की है वो लिख कर दी है और वो कोशिश कर रहे हैं जो भी हमको मिल जाए। लेकिन हम हवा हवाई बात नहीं करना चाहते, कुछ लोग इस शहर में बजट और फंड के ताल्लुक से हवा में बात करते हैं। मैं एक बात बोला कि हमने खुद नहीं बोला, उनकी तरफ से बात आई, मतलब उनका खुद इंटरेस्ट है, कुछ बातचीत की है और उन्होंने भी कहा कि मैं बहुत तो नहीं कर दूंगा, 50 करोड़ 100 करोड़ जो हमारे यहाँ हवा हवाई बातें हो रही है, मगर 2-3 करोड़ रुपये की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्रिकेट और स्पोर्ट्स के ताल्लुक से आपके शहर को मैं फंड भी लूँ। नौजवान जो है इस शहर के और क्रिकेट से जो लगाव रखते हैं, खास तौर से नशा और रसिया जो इस्तेमाल इस शहर में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो वो नशा को रोकने में अगर कोई चीज़ सबसे बेहतर हो सकती है तो वो स्पोर्ट्स है।
स्पोर्ट से बेहतर नशे का कोई इलाज ही नहीं हो सकता, खास तौर से नौजवान नस्ल के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स हो, किसी भी किस्म का हो, क्रिकेट हो या दूसरे हो, उसको कहीं ना कहीं बढ़ता रहना चाहिए। और नौजवान उस तरफ आएगा तो वो अपनी फिटनेस की तरफ पहले तवज्जो देगा। वो नशा और रसिया जो दूसरी चीजों को छोड़कर वो बीड़ी सिगरेट से भी फिर परहेज करने लगता, इसलिए नौजवानों का स्पोर्ट्स की तरफ आना जरूरी है और स्पोर्ट्स आगे बढ़े, यही हमारा मकसद।